तो दोस्तों अगर आपके पास Redmi, Poco या Xiaomi का कोई भी डिवाइस है तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आप अपने डिवाइस में ब्लूटूथ का जो नया वर्जन आया है उस नए वर्जन को कैसे आप यहां पे अपडेट कर सकते हैं, अगर शो नहीं हो रहा है तो कैसे लाइएगा, साथ में अपडेट करने के बाद कौन सा नया फीचर देखने मिलता है, ये टोटल आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं ब्लूटूथ के अपडेट वर्जन को कैसे आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, अपने मोबाइल के सेटिंग वाले ऑप्शन में जाए, देन उसके बाद ब्लूटूथ वाले ऑप्शन में जाइएगा और इसको अगर आप यहाँ पे ऑन कीजिएगा तो ऑन करने के बाद अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको ब्लूटूथ का कोई भी अपडेट यहाँ पे वर्सन शो नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको आपको यहाँ पे ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद अपने मोबाइल का वाईफाई या मोबाइल डाटा जो भी है उसको आपको यहाँ पे ऑन कर लेना है। दोस्तों जैसे ऑन कर लीजिएगा, ऑन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद आपको फिर से सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है और सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको ब्लूटूथ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ब्लूटूथ वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको यहां पे अपना ब्लूटूथ को यहां पे एक बार यहां पे ऑन कर लेना है। जैसे दोस्तों ऑन कीजिएगा, ऑन करने के बाद यहां पे सर्च होना चालू हो जाएगा और सर्च होने के बाद आपके पास जो भी ब्लूटूथ डिवाइस है उसको आपको क्या करना है, एक बार यहां पे कनेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं मैंने यहां पे कनेक्ट कर लिया और कनेक्ट करने के बाद दोस्तों अभी आप फिलहाल देख सकते हैं कोई भी आपको यहां पे अपडेट शो नहीं हो रहा है। तो अपडेट लाने के लिए सिंपली क्या करना है, आपको यहां से एक बार बैक हो जाना है और बैक होने के बाद आपको कुछ देर वेट करना है। वेट करने के बाद फिर से अगर आप यहां पे ब्लूटूथ वाले ऑप्शन में जाइएगा तो आप यहां पे देख सकते हैं ब्लूटूथ वर्जन आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा और अपडेट का यहां पे ऑप्शन मिल जाएगा। अब सिंपली क्या करना है, इस ऑप्शन पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना। क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद नया वर्जन मिल जाएगा और अपडेट जो मिलेगा आपको 11 MB का ये अपडेट मिल जाएगा। वर्जन आप यहां पे देख सकते हैं 21.10.1.24 का वर्जन आपको यहां पे मिल जाएगा। अगर ये वर्जन का अपडेट आपको नहीं मिलता है तो इसका APK फाइल मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जाके आप वहां से अपडेट कर लीजिएगा। फिलहाल यहां पे देखिए बताया गया अपडेट करने के बाद क्या फीचर मिलेगा और वो मैं आपको फीचर भी बताने वाला हूं। सबसे पहले यहां पे बताया गया है एडेड सपोर्टेड फॉर मोर ईयरफोन मॉडल, जो मोर ईयरफोन जो मॉडल आया है अब वो भी दोस्तों आपका अच्छे तरीके से यहां पे सपोर्ट करेगा। साथ में अपडेट ब्लूटूथ सर्विस फ्रेमवर्क, ब्लूटूथ सर्विस फ्रेमवर्क का यहां पे अपडेट मिल गया है। जैसे अगर आप ब्लूटूथ से मोबाइल डाटा कनेक्ट करते हैं या ब्लूटूथ से अगर वाईफाई चला रहे हैं या डाटा शेयर कर रहे हैं तो वो फ्रेमवर्क में जैसे अपडेट कीजिएगा तो वो और भी आपका दोस्तों यहां पे फास्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं यहां पे क्या करता हूं, इसको यहां से अपडेट कर लेता हूं। तो चलिए इसको मैं यहां पे अपडेट पे लगा देता हूं। तो यहाँ पे अपडेटिंग का भी प्रोसेस कंप्लीट हो गया। जब अपडेटिंग का प्रोसेस आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद दोस्तों सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे देखिए रीसेट का ऑप्शन मिलेगा, अपने मोबाइल को एक बार यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेना। तो चलिए डिवाइस को मैं यहाँ पे रीस्टार्ट दोस्तों, जैसे आपका मोबाइल यहाँ पे रीस्टार्ट हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन में जाइएगा, देन उसके बाद ब्लूटूथ वाले ऑप्शन में जाइएगा। तो ब्लूटूथ वाले ऑप्शन में जाने के बाद फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार का आपको यहाँ पे इंटरफेस देखने मिलेगा। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे डिवाइस नेम देखने मिलेगा, इस पर क्लिक करते तो अपना डिवाइस का नेम है वो आप यहां पे चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी ब्लूटूथ आप यहां पे कनेक्ट करते हैं उस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद आपको यहां पे रीनेम का ऑप्शन मिलेगा। ब्लूटूथ अगर जिससे भी कनेक्ट किया हुआ उसका रीनेम चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहां पे चेंज कर सकते हैं। अनपेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, फोन कॉल का ऑप्शन मिलेगा, मीडिया ऑडियो का ऑप्शन मिल जाएगा और कॉन्टेक्ट एंड कॉल हिस्ट्री शेयरिंग का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको कॉन्टेक्ट शेयर करना है, कॉल हिस्ट्री को शेयर करना है तो दोस्तों वो भी आप यहां पे कर सकते हैं। साथ में कीप वॉल्यूम कंस्टेंट का ऑप्शन देखने मिलेगा, अगर वॉल्यूम आपका यहां पे मान लीजिए कि काफी डाउन आ रहा है तो बूस्ट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। एसीसी का सपोर्ट मिल जाएगा, साथ में इसको अगर बंद कर देते हैं तो आपको एचडी का यहां पे सपोर्ट देखने मिलेगा, जैसे देख सकते हैं एसबीसी का ऑप्शन मिल जाता है, साथ में आपको एसीसी का ऑप्शन यहां पे देखने को मिल जाता है, ये ऑप्शन आपको यहां पे शो जाता है। उसके अलावा दोस्तों जैसे बैक होइएगा और बैक होने के बाद एडिशन सेटिंग में जाइएगा तो एडिशन सेटिंग में जाने के बाद आपको पेयर कंफर्टेबल डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कनेक्टेड ईयरफोन स्पीकर एंड कंप्यूटर डिवाइस को आप यहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ब्लूटूथ से आप काफी सारे डिवाइस को यहां पे कनेक्ट कर पाइएगा। ब्लूटूथ को ब्लॉक लिस्ट में अगर डालते हैं तो ब्लॉक लिस्ट का आपको यहां पे ऑप्शन मिलेगा, जिसको भी आप ब्लॉक लिस्ट में चेक करना चाहते हैं वो आप यहां पे चेक कर सकते हैं। साथ में शो ब्लूटूथ डिवाइस विदाउट नेम, आप चाहते हैं कि जो भी ब्लूटूथ डिवाइस आपको यहां पे शो रहा है विदाउट नेम के साथ देखना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन यहां पे देखने को मिल जाएगा। और इसको जैसे आप अपडेट कीजिएगा तो अपडेट करने के बाद कनेक्टिविटी काफी यहां पे फास्ट हो जाएगा। तो देखिए जैसे मैं इसको यहां पे बंद कर देता हूं तो यहां पे होगा क्या कि ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो फिलहाल देख सकते हैं डिस्कनेक्ट हो चुका है और जैसे दोस्तों इसको मैं यहां पे ओपन करता हूं
तो जैसे मैं इसको यहाँ पे ओपन करूंगा तो ओपन करने बाद देख सकते हैं काफी फास्ट यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। साथ में आपको ऑडियो की क्वालिटी भी काफी अच्छी मिलेगी। अगर ब्लूटूथ कनेक्ट करने पे ऑडियो कट कट के आ रहा है, कोई प्रॉब्लम देखने मिल रहा है, तो वो भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं।